निकलने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या मतलब क्या हुआ? उसका ठीक आयतन पानी कितना निकलेगा, बैग उड़ जाएगा, थोड़ा सा पानी बाहर थोड़ा थोड़ा गिर रहा होगा, तो पानी बाहर निकलने का मतलब पानी किसमें है, टंकी में, तो क्या होगा, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन और टंकी के आयतन। टंकी कैसी है, गोले गोली टंकी है, और कितने गोले बना रहे टंकी का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³, और उससे कितने गोले भर रहे 30,000, कितने गोले भर रहे 3,000, एक गोले का आयतन कितना है 4π 4/3 πr³, और कितने गोले भरे जा रहे 3,000 गोले, एक गोले को किससे करते हैं 3,000 से, कितने जाएंगे 3,000 गोले भरे जाएंगे, और वही टंकी का आयतन है, वही बाहर निकलने वाले पानी का आयतन है। अब देखिए 4/3 22/7 और त्रिज्या है व्यास है 7.7, तो 0.7/2 त्रिज्या व्यास का आता क्या है, त्रिज्या मैंने 2 का भाग दे दिया, मैंने इसका मोल बताया कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, तो कितना आया 7/20 क्योंकि आर क्यूब इनटू 3000। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 0 से 0 0 से 0 0 से 0, 7 से 7, 3 से 3। अब बच्चे देखो 2 × 2 2 × 4 2 × 2 तो ऊपर कितने बच गए 7 × 7 = 50 22 × 50/2 इसका मतलब 2 से कितनी बार कटे 11 बार, तो कितने बच गए 11 × 50 9 × 9 9 × 9 4 × 4 4 × 4 9 × 10 = 3 आंसर का है 539 सेंटीमीटर क्यूब। टंकी का आयतन कितना था 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्यों कितने गोले भरे जा रहे 3000, तो एक गोले का आयतन 4/3 πr³, और कितने गोले जा भरे जा रहे 3000, तो 3000 से इंटू कर दिया, तो उस टंकी का आयतन या बाहर निकलने वाले पानी का आयतन कितना हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर चौदह क्या कह रहा है कि एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन, क्या कह रहा है एक खोखले अर्धगोलीय, मतलब कैसा है आधा गोला, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के के
जब भी बात क्षेत्रफल निकालने की आती है तो हमें व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। क्या चाहिए? त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ? व्यास का आधा 43/2। 43 में 2 का भाग नहीं दे देने से उत्तर पॉइंट में आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, काट लें। तो आप क्या करें, इसको पॉइंटों में ना लाएं। आगे इसके बाद में है अंतर्व्यास। क्या है? अंतर्व्यास। अंतर्व्यास कितना दे रखा है आपको? 42 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बराबर वही 42/2, कितने आ गए? 21 सेंटीमीटर। रंग कराने का है तो बर्तन पर रंग, रंग पर वे, रंग पर वे, इसका मतलब क्या हुआ? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बड़ा है, बाह्य है, इसका मतलब इस कैपिटल आर त्रिज्या, और ये छोटा है स्मॉल आर त्रिज्या। हाँ, गोले का अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले अंदर और बाहर दोनों तरफ है तो क्या बन गया? 2π। क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस छोटे बड़े का 2π स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन दोनों में 2π क्या कॉमन है? 2π कॉमन ले लिया, ये बन गया आर स्क्वायर और ये बन गया आर स्क्वायर। अब देखिए 2π का मान 22/7, आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना है? 43/2 का होल स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है? 21 का स्क्वायर। देखिए 2 × 22/7 43/2, 43 का वर्ग 43 × 43, 3×3 9, 3×6 12, 4×3 12, 16×1 17, 9×4 1849, 1849, 2 का वर्ग 4 प्लस 21 का वर्ग हमें मालूम है 441, 441 प्लस अब ले लें, ये बन रहा है 2 × 22/7 1849 प्लस एलसीएम कितना आएगा? 4, 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को 1849 से मिलकर 1800। अब इसको 4 से गुणा करें, 4 × 1 = 4, 4×4 = 16, प्लस का 1 = 16×1 = 17/4, 2 × 22/7। अब ये कितना देखो, 9×4 = 13, हासिल का 1, 6×4 = 10 = 11, हासिल लगी 1, 8×8 = 16, हासिल लगी 1, 2×3 = 4, 3613। हाँ, अब हमें क्या करना है? 7 पैसे रंग कराने का है, पैसे है, इसका मतलब किसको बदल दे? रुपए में। तो किसका भाग होगे? 100 का। किसका? 100 का। 7 पैसे है ना, तो पैसे को किसने बदल दिया? रुपए में। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन, सॉल्व करना है इसको। अपने पास आ रहे हो 2×22/7 × 36 = 13/4 × 7/100, 7 से 7 कटे, 2 के पार में से 2 11, 2 से 2, इसका मतलब हो गया 11×36 = 13, 36 = 13 को 11 से गुणा करें, 3×1 = 6, 3×1 = 6, 3 कितना है? 3×3 = 4, 6×1 = 7, 9, 3, 39,743। अब नीचे कितने पड़े? 100, ये 100 पड़े, यहाँ भी आगे 100, कितने 0, 2 0, तो ये आगे 39,743 रुपये, इसका मतलब 397.43 रुपये, 397.43 रुपये। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए अपन करेंगे द्विविध प्रश्नावली, ये 16.4 कंप्लीट, और इसके बाद अपन करेंगे द्विविध प्रश्नावली। कौन सी?
छियासी, चार सौ छियासी, चार सौ छियासी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छ इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है छ इंटू भुजा स्क्वायर, कितने बन गए चार सौ छियासी।
पाई, क्योंकि उत्तर पाई में पूछ रहा है, 22/7 को पाई लिख दिया हमने, तो 36 पाई। यह है आपके विविध का क्वेश्चन नंबर 3।